एग्जैक्टली पता चल जाएगा। एक सेकेंड रुके। देखो प्रीमियर प्रो का जो मेन चीज़ है ना, तोबा इकबाल जी पूछ रहे हैं डेरी ब्लेंडर को कितना आवाज देते हैं, दे हुए हो गए हैं बिकम अ प्रो इन ऑन इट। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको ब्लेंडर में प्रो होना है तो सबसे पहली चीज़, आप ब्लेंडर को ऐसा मत समझो कि यार भाई ये कोई डेस्टिनेशन है और इस पर जाके लाइक मैं सीख गया और उसके बाद ब्लेंडर में बन गया, ऐसा नहीं। ब्लेंडर का भी डेस्टिनेशन है ही नहीं। ब्लेंडर ले लो या कोई सा भी 3D का सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ गाइज कि कभी एंड ही नहीं है। देखो जब तक आप कुछ, जब तक आप जो है अभी उसको सीखोगे तब तक नई चीज़ आ जाएगी, फिर आप उसको सीखने लग जाओगे, फिर जब तक आप वो नई चीज़ सीखोगे तब तक तीसरी चीज़ आ जाएगी। तो इसका तो कोई ऐसा है ही नहीं है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपको ब्लेंडर किस चीज़ के लिए सीखना है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि मैं बेसिकली ब्लेंडर अभी सिखाता हूँ वो एक अलग चीज़ है, बट मैं ब्लेंडर किसके लिए करता हूँ, बेसिकली मुझे मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और लाइटिंग और एनिमेशन करना हो, ताकि मैं किसी भी क्लाइंट का कोई भी फ्रीलांस वर्क हो वो मैं कर सकूं। तो ब्लेंडर मैंने इसलिए सीखा। अब आपको अपने दिमाग में बस एक चीज़ रखनी है कि भाई आपको ब्लेंडर एग्जैक्टली क्यों सीखना है, ठीक है। ये आपका सबसे मेन गोल होना चाहिए अभी के लिए, कि आपको उसमें मॉडलिंग सीखनी है, लाइटिंग सीखनी है, एनिमेशन सीखना है, क्या ऐसी चीज़ सीखनी है जिससे मतलब बेसिकली आप प्रो हो जाए। देखो ये बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, देन व्हाट शुड आई डू विथ रेस्ट ऑफ ऑल स्किल्स। देखो वेब डिज़ाइनिंग इसलिए बढ़िया है बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस टाइम इंडिया में ना स्टार्टअप का ऐसा क्रेज़ स्टार्ट हुआ है, स्टार्टअप इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों को स्टार्टअप स्टार्ट स्टार्टअप और स्टार्टअप जो टिकी रहती है ना वो सिर्फ खाली एक टेक टीम है जिसकी वजह से स्टार्टअप चलते हैं, बिकॉज टेक टीम में ही जो स्टार्टअप होते हैं बेसिकली उनको टेक टीम बहुत मजबूत चाहिए होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेब में इसलिए इसलिए बेसिकली वेब इस टाइम करियर चूज़ करना बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जितने भी स्टार्टअप्स हैं बहुत अच्छे पैकेज पे आपको आराम से रख लेंगे, अगर आप फ्रीलांसर सॉरी अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आपको वो रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है भाई बेस्ट ड्रॉ कौन सा है, फ्री वाला ड्रॉ कौन सा है, सॉरी समझ नहीं आया मुझे, प्लीज़ एक बार दोबारा लिखेंगे आप आदित्य जी, बेस्ट ड्रॉ क्या चीज़ है। और जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो भाई इकबाल जी ने कि कितना टाइम देना चाहिए ब्लेंडर को, सो ब्लेंडर को बेसिकली आप जो भी स्किल सीखना चाह रहे हो एटलीस्ट 3 आवर तो दो पर डे। अगर आपने 3 घंटे दे दिए जो भी स्किल्स आप सीख रहे हो, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो मॉडलिंग है, चाहे वो कुछ भी है, तो आप प्रो हो जाओगे विद इन द 2 एंड 3 आवर्स, दैट्स इट। सर मेरा क्वेश्चन ऊपर ही रह गया। ओके विनोद जी ने क्या पूछा था, विनोद जी ने कुछ पूछा था, सर मैं अभी भी किसी ऑब्जेक्ट को रेंडर कर रहा हूँ, कोई फास्ट रेंडर करने की टिप। यार रेंडर फास्ट करने की ऐसी कोई टिप नहीं है, मतलब जहाँ तक बताऊँ कि बिकॉज वो डिपेंड करता है आपके बेसिकली प्रोसेसर के ऊपर, आपका अंदर क्या मतलब आपके सिस्टम के अंदर क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है ना। तो प्रोसेसर अगर आपका अच्छा है तो रेंडर फास्ट होगा। बाकी रेंडर फास्ट करने के 2-3 तरीके हैं, आप अपने सैंपल्स को कम कर सकते हैं, सैंपल कम करेंगे और उसके बाद अगर आप डीनोइज ऑन कर देंगे तो सैंपल कम होते ही डीनोइज ऑन हो जाएगा, और तो क्या होगा कि कम सैंपल में भी आपको क्लियर एंड बिना नॉइजी वाला रेंडर दिखेगा। तो ये एक रीज़न है जिससे आप जल्दी रेंडर कर सकते हो। बाकी उसके बाद जाके आप अपने कैशे पॉइंट को कम कर दो और अपने लाइटिंग के वो जो ऑप्शंस आते हैं उनको थोड़ा सा आप कम कर दो, तो इन चीज़ों से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप 3D एंड 2D एनिमेशन सकते हो या नहीं, 3D? देखो मैंने 3D एनिमेशन भी किया है, 2D एनिमेशन भी किया है, तो मैंने तो दोनों काम करे हैं, ठीक है ना। मतलब 3D मैंने शायद अब ज़्यादा करा है बिकॉज 2D करे हुए तो काफ़ी समय हो गया है, पर 2D अभी भी हम लोग जैसे ये किड्स राइम वीडियोस होती हैं ये हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं और अभी भी बनते हैं, और हमारा बेस यही है, अभी भी यही है। हम बेशक अलग बात है कि हमने अब बंदे हायर कर रखे हैं उसके लिए, पर हाँ पूरे स्किल सेट पूरा प्रोसेस हम ही बनाते हैं, मतलब मैं ही क्रिएट करता हूँ उसके लिए, ठीक है। ब्रो 2D एनिमेशन में क्या हर फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है? यार देखो बिल्कुल करना पड़ता है सही बताऊँ तो, ठीक है ना। पर आजकल क्या ना डिजिटल हो गया है, ठीक है। आप जो बात कर रहे हो वो बहुत क्लासिक वाला है फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना। आज क्या कि मान लो अगर आपने एक कैरेक्टर बनाया, उस कैरेक्टर में आप रिग लगा दो अगर, ठीक है। मान लो फ्लैश में, हम फ्लैश का एग्जांपल लेते हैं, फ्लैश में क्या होता है कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिया और उसमें अगर आपने रिग बना दिया तो आप क्या करोगे, पॉइंट्स सेट कर दोगे
फ्रेम, ठीक है, फ्रेम सेट कर दोगे, तो इस फ्रेम पे आपने ये पाँव ऐसे घुमाया, अगले फ्रेम पे आपने वही पाँव को सीधा कर दिया, तो वो क्या ना फ्रेम रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप फ्रेम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक करेक्टर एक बार बना लेना है, उसके बाद वो फ्रेम बाय फ्रेम आपको हिलाते रहना है, और जैसे जैसे हिलाते रहेंगे वो एनिमेशन बनते चले जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा कि और परफेक्ट एनिमेशन बन जाता है। और जो वो फ्रेम होता है, जैसे ये फ्रेम और ये फ्रेम, इन दोनों फ्रेम के बीच की में कितना फ्रेम का गैप है, लाइक 24 है 60 है, तो जितना होगा उस फ्रेम पर सेकंड वो चलेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे ये है, मान लो आपका ये पहला फ्रेम है और ये दूसरा फ्रेम है, ठीक है ना, तो इस फ्रेम से इस फ्रेम तक पहुंचने में वो कितना था, लाइक वो 24 फ्रेम एफपीएस था या फिर 60 एफपीएस था, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है आपके उस पर कि ये 20 एफपीएस था या 60 एफपीएस था, पर ये इस फ्रेम से इस फ्रेम के बीच में जो भी होता, तो वो जो मूवमेंट आप देखते हो जितनी स्मूथ हो गई, अगर वो 24 है तो ठीक लगती है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब लगती है, पर अगर वो 60 है तो काफ़ी स्मूथ चलती है वो। ऑलराइट सर, कोई वर्क होम जॉब बताओ प्लीज़, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए। यार वर्क फ्रॉम होम तो आजकल बहुत लोग दे रहे हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको मतलब ऐसे घर से काम करना है तो फिर आपको थोड़ा सा लिंक्डइन पर सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज लिंक्डइन पर काफ़ी लोग इस टाइम एक्टिव हैं जो इस टाइम वर्क फ्रॉम होम या फिर फ्रीलांस ढूंढ रहे हैं, मार्केट में जो इस टाइम चल रहा है बेसिकली, मैं जो देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो कोशिश करो कि लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाओ, और वहाँ पे एक ऑप्शन भी आ गया आजकल, वो पहले तो हायर मी समथिंग था, नहीं ओपन फॉर वर्क था, अब एक नया आ गया है हायर मी कुछ, तो मतलब फ्रीलांस के लिए भी, उसके लिए भी, ठीक है। गेमिंग चैनल जी क्या बोलते हैं, प्लीज़ अपना मैसेज लिखिए, गेमिंग जी प्लीज़ अपना मैसेज लिखिए। आप हमको 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिंग, वीएफएक्स, वीडियो एडिशन अपने यूट्यूब चैनल पे। यार देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको इतना सब कुछ सिखा दूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मैं आप इसको यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता, बिकॉज यूट्यूब की जो मेरी अर्निंग है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पर डे उतना खर्च कर देता हूँ जितना मेरी यूट्यूब की महीने की अर्निंग आ रही है, तो भाई मैं यूट्यूब पर तो नहीं डालने वाला हूँ, पर हाँ मैं कोर्स का प्राइस कम रखूँगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, पर मैं आप कोर्स सारे अपनी वेबसाइट पे दूंगा, बिकॉज वहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ मेहनत, उसका मुझे कुछ तो कॉस्ट मिलेगा, बिकॉज यूट्यूब मुझे नहीं देता यार, आपको देखना है आपने देखा, एक व्यू से थोड़ी मुझे को पैसा मिल जाएगा यूट्यूब पे, एटलीस्ट आप एक बार लोगे, 1000 रुपये का भी कोर्स होगा या 900 रुपये का भी कोर्स होगा, एटलीस्ट मुझे मेरी कुछ तो कॉस्ट मिलेगी। समस्या यहाँ पर आती है कि मैंने यूट्यूब पर इतनी मेहनत से कॉन्टेंट डाला है, हालांकि ठीक है उसके व्यूज़ अच्छे हैं, अच्छी ऑडियंस आई है, आप लोग उसी के थ्रू कनेक्ट हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्टेंट बहुत वैल्यूएबल है, अगर आपको कुछ भी नहीं देखना, अगर आपने वो देख लेना फिर भी बहुत कुछ कर जाओगे, हालांकि वेबसाइट पे तो उससे 10x अच्छा ही डला है, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब का कंटेंट भी अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छा कंटेंट है, मतलब मैं बता रहा हूँ बीइंग अ बिगिनर ना, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है वो, अगर आपको ब्लेंडर के बारे में कुछ नहीं पता, बिकॉज मैंने इतने अच्छे से समझाया था, बट मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे जितना भी आप बोल रहे हो 2D 3D VFX मोशन ग्राफिक, मैं ये सब सिखा सकता हूँ, अपनी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, किसी तीसरे को नहीं बोलूँगा, मैं ही मेहनत करूँगा, बट मैं इसको अपनी वेबसाइट पर ही डालूँगा। ऑलराइट, हाउ डू यू अर्न मनी, देखो मैं पहली चीज़ आपको लोगों को बता दूँ, यूट्यूब से कोई मनी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मनी आ रही है, ठीक है, यूट्यूब से तो नहीं आती मनी, पर जो मेरी मनी आती है बेसिकली, एक तो क्या है कि मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करता हूँ बहुत सारी कंपनीज़ में, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर कैसा होता है मैं बताता हूँ, सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि कोई कंपनी है उसको किसी मास्टर की ज़रूरत है, कि हाँ कोई प्रोजेक्ट है जो फंस रहा है, उनको ऐसा बंदा चाहिए जिसको इन डेप्थ नॉलेज है इस चीज़ की और वो करता है, जैसे कि लाइक अभी मैं जहाँ पे 2-3 जगह पे काम कर रहा हूँ एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ पाइथन, मतलब मैं पाइथन में चीज़ें ऑटोमेट करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि अगर ब्लेंडर से आपको रेंडर ऑटोमेट करना है तो कैसे हो सकता है, अगर आपको ब्लेंडर से कोई भी चीज़ मतलब अपनी वेबसाइट में लिंक करवानी है या फिर वेबसाइट से इधर करना है, तो वो वाला काम चल रहा है, कई जगहों पर मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो काम करता हूँ वो करता हूँ कि प्रोडक्ट मॉडलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो जहाँ पर भी वो लोग फंसते हैं ना, तो मैं आर्ली उसका पे लेता हूँ, ठीक है, $15, $20 ऐसे आर्ली चलता है, डिपेंड ऑन द कंपनी बेसिकली, तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब डिपेंड करता कि ये कंपनी की कितनी कॉस्ट है, मतलब CTR कितना है, उस हिसाब से मैं उसका पैसा लेता हूँ, ठीक है, किसी का मैं $15 लेता हूँ, किसी के $20 लेता हूँ, तो एक तो मेरी अर्निंग का सोर्स ये है, दूसरा हमारी
बेसिकली मेरे साथ एक मेरे और हैं सुमित जी, अखिलेशन नाथ तिवाड़ी जी, उनके साथ हमारी एक अभी कोलैबोरेशन में एक द लीड डिवीज़न करके हमने एक कंपनी स्टार्ट करी है जो कि टोटली स्टार्टअप है और यूट्यूब पे हम लोग किड कंटेंट डालते हैं। इस टाइम यूट्यूब पे हमारे 200 प्लस चैनल हैं जो कि वो हैंडल करते हैं, मेरा उसमें अभी कोई रोल नहीं है। मैं यहाँ पे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता हूँ, चीज़ों को हैंडल करता हूँ और अभी भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें करता हूँ। तो एक दूसरा सोर्स मेरा ये है अर्निंग का। तीसरा सोर्स है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग करता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छे से क्लाइंट्स हैं। जैसे अभी आपने देखा हो, कुछ तो मैं डाल देता हूँ, जैसे डायमंड कंपनी का मैं डाल देता हूँ, गोदरेज का मैं डाल देता हूँ और ओयो का मैं डाल देता हूँ, पर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका मेरे को डालने को मना ही होता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि भैया आपको डालना ही नहीं है कहीं भी, हम करेंगे बस, दैट्स इट। मतलब मैं वहाँ पे ग्रे स्केल मॉडल भी नहीं डाल सकते, इतना ज़्यादा मतलब वो है, ठीक है ना। थर्ड अर्निंग मेरी बेसिकली ये है। फोर्थ अर्निंग ये है कि मेरी वेबसाइट, अब मेरी वेबसाइट चालू हो गई है तो वहाँ से हो जाती है। और फिफ्थ अर्निंग ढूंढूंगा कुछ और ऑलराइट, तो ये अर्निंग है, पर ये सारी मेहनत क्या है, ऐसा नहीं कि मतलब बैठ बैठ के कमा रहे, कुछ भी नहीं है। देखो अगर वेबसाइट पे भी है, अगर वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो मैंने अभी 50 के चैप्टर डाले थे, मैंने उसमें फिर अपडेट कर दिए। मैं जितने जल्दी हो सकता है चैप्टर को अपडेट कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनको जल्दी जल्दी न्यू अपडेट्स मिलती रहे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यार आपने मेरा कोर्स लिया और आपने बोला सर आपने तो उसमें चैप्टर डाले नहीं। बिकॉज जितने लोगों ने मेरा कोर्स लिया है मेरे को बहुत अच्छे कमेंट आए, मैं इतना खुश हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से वो कोर्स बनाया और आप लोगों को पसंद आया, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं इतना खुश हो रहा हूँ, कमेंट देखिए मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं फिर जाके वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। हेलो मोनिका जी, कैसे हैं? विनोद जी बोलते हैं मार्वल मूवी जैसा इन्वायरमेंट बनाने के लिए ब्लेंडर काफ़ी है क्या, या किसी और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है? फास्ट क्रिएट करने के लिए बेसिक में ब्लेंडर में बना सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत लगता है। ऐसा नहीं है यार, देखो आप लोगों के साथ बताऊँ, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ये समस्या है या नहीं है। देखो आपको ना हर चीज़ एक दिमाग से देखना पड़ता है, मतलब अगर आप एक इन्वायरमेंट देख रहे हो ना तो आप ये चीज़ देखो कि हर चीज़ में ना ऐसा डेप्थ होती है, ठीक है ना, ये ऐसे डेप्थ होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि हमको यहाँ फोकस करना है, इधर नहीं फोकस करना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमको इधर नहीं फोकस करना, हमको इधर फोकस करना। मतलब इधर तो हम इमेजेस भी लगा देते हैं, ठीक है, इधर हम इमेज लगा सकते हैं, पर इधर हमें मॉडल चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कैमरा क्लोज जा सकता है और इधर कैमरा बहुत दूर है, इधर क्या है पता नहीं चलेगा। तो कोशिश करो कि आपके जो कैमरा, पहले अपना कैमरे का दायरा सिलेक्ट करो कि आपको कैमरे में क्या दिखाना है, और दूसरी चीज़ वो कितना पास है कितना दूर है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पास वाले पे तो मेहनत करी, दैट वेल इन गुड, अच्छी बात है आपने अच्छे से मॉडल किया, पर आपने पीछे वाले में भी उतनी मेहनत करी जितनी आपने आगे वाले में करी, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब पीछे वाला ना आपके लिए फोकस ही नहीं है, वो आउट ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट है। तो ट्राई करो कि यहाँ पे PNGs ऐड करो, यहाँ पे ट्राई करो कि PNG वगैरह आ जाए तो ज़्यादा सही है। तो वही आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में कि आगे वाले में मेहनत करना। आप क्या करते हो, दोनों पे सेम मेहनत करो, इसलिए आपको टाइम लगता है, फिर आप थका के छोड़ दो, मैं नहीं कर रहा, ऐसा हो जाता है। तो ट्राई करो जो कैमरे में दिख रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करो, जो कैमरे में नहीं दिख रहा उसको लीव कर दो, ठीक है। दूसरा है सबिक रजा बोलते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, ब्लेंडर सीखने में कितना टाइम चाहिए? यार मैंने अभी बोला अगर आप पर डे 3 घंटा दे दो तो 6 महीने में ब्लेंडर में प्रो हो जाओगे, दैट्स इट। प्रो मतलब जो भी स्किल्स आप सीखना चाह रहे हो, ठीक है, बिकॉज अगर आप 3 घंटे पर डे देते हो तो 1 महीने में आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑलराइट। उसके बाद यार जो भी आ रहा है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक तो कर दो, एटलीस्ट 3 लाइक है यार उसमें, क्या मतलब करो यार लाइक, ठीक है। सर 4GB 8GB ग्राफिक कार्ड ठीक है बताओ प्लीज़? 8GB ग्राफिक कार्ड ठीक है, 4GB हटा दो। ब्लेंडर लर्निंग ब्रो VFX रिलेटेड कोर्स कब आ रहा है? देखो अभी तो मैं फिलहाल मेरा फोकस है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करूं, बिकॉज आप लोगों ने कोर्स परचेज किया तो मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी है कि उस कोर्स को पूरा एडवांस तक लेके जाना है। आप लोगों को वो वर्थ इट लगना चाहिए, आप लोगों को लगने चाहिए कि मेरे 2500 रुपये खर्च हुए हैं तो उसमें मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उस पर पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आई थिंक विद इन 2 मंथ, लाइक अभी अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, उससे पहले पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा ताकि मैं फिर आप लोगों को अनाउंस कर दूंगी। अब जो कोर्स है वो फुली आपका है, आप उसको पूरा देख सकते हो, बीच में देखो शुरू में देखो जैसे आपको देखना है। तो 12 अगस्त से पहले पहले मैं उसको कर दूंगा, ऑलराइट। नेक्स्ट है अरिजीत रॉय सर, हाउ टू मेक अ एनवायरनमेंट इन ब्लेंडर एंड पुट इन टू और डाविंची रिजॉल्व? देखो पहले आप बना लो उसको, उसके बाद उसमें क्या है, आप रेंडर निकाल के उसके फ्रेम बाय फ्रेम डाविंची में ले जाओ, उसके बाद आप करो उसमें एनिमेट, कोई दिक्कत नहीं। सुभाष खिलाक जी बोलते हैं सर मुझे एनिमेटर बनना है,
इस कोर्स में एनिमेटर बन जाऊंगा क्या? देखो मैं आपको फिर एक चीज़ बोलूँगा कि जो ये कोर्स है ना, काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे हैं सर मैं इसमें कैरेक्टर एनिमेशन सीख जाऊंगा, सर मैं इसमें मॉडलिंग सीख जाऊंगा। देखो आप सब कुछ सीख सकते हो, पर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि आपको रेसर बनना है तो पहले आपको गाड़ी चलानी तो सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। और गाड़ी चलानी ऐसी नहीं कि बस हाँ मेरे को पता है स्टेयरिंग ऐसे घूमता है, ब्रेक ऐसे लगता है, नहीं, आपको एकदम परफेक्टली गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। तो समझ लो कि ये जो कोर्स है ना वो आपको हर तरीके के रास्ते खोल देगा जिस दिन आप ये कोर्स बेसिकली खरीद के परचेज करके सीख लोगे। फिर आपके दिमाग में क्लियर होगा कि हाँ भाई मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे एनिमेशन करना है, मुझे टेक्सचरिंग करनी है, मुझे लाइटिंग करनी है, इट्स अप टू यू। बट उससे पहले आपको अपने मन में एक चीज़ दृढ़ निश्चय रखना है कि भाई मुझे पहले बेसिक और एडवांस दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको पता है कि मैं टेक्सचर इमेज नोड से भी ला सकता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकता हूँ और प्रोसीजर भी बना सकता हूँ, उस दिन आप डिसाइड कर पाओगे हाँ एग्जैक्टली मुझे एनिमेटर बनना है, क्या करना है। तो भाई ये कोर्स तो सबके लिए ही है। मैं तो आपसे ये बोलता हूँ कि अगर आप ब्लेंडर पिछले 5 साल से भी यूज़ कर रहे हैं फिर भी मैं बोलूँगा टेक अ लुक, एक बार जाओ उस कोर्स को देखो, आपको 10 ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पिछले 5 सालों में पता ही नहीं हो रही। ये भी था इसमें, मुझे तो पता ही नहीं था, समझ रहे हैं। तन्मय जी बोलते हैं सर प्लीज़ कोर्स का प्राइस कम रखो प्लीज़, हम स्टूडेंट हैं। यार मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि कोर्स का प्राइस कम रखो, पर मुझसे पूछो, मैंने वेबसाइट बनाने बनाने में कम से कम 2.5 से 3 लाख खर्च करे हैं, मुझे पता है, ठीक है। और सही बताऊँ तो मुझे पता है यार, मैं नहीं चाह के भी पता है मैंने 3,000 करा था, मैंने फिर भी अभी उसको 2,400 के आसपास कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा नहीं यार आप लोगों को फिर महंगाई पड़ रहा होगा, मैंने उसको कम करके 2,400 कर दिया। पर यार सच में मेरे को ना पर कोस्ट, आपको पता है मैं 2,500 का कोर्स बेचता हूँ जिसमें से मेरे को 2% देना पड़ता है पेमेंट गेटवे वालों को और 18% मैं GST देता हूँ। मतलब कि मुझे 2,500 का कोर्स देने के बाद 2,000 का वो कोर्स पड़ता है, ठीक है। 2,000 में मेरी वेबसाइट की कॉस्टिंग है, मेरी होस्टिंग की है, मेरे डेवलपर की कॉस्टिंग है, मेरे इंटरनेट की है, मेरी हर चीज़ की कॉस्टिंग है। मतलब मुझे वो मर मरा के 500 रुपये भी नहीं बचते, सही बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बस ले रहा हूँ और छाप रहा हूँ। भाई मुझे पता है मैं जितना लगाया है उसका अभी 10% भी मेरे जेब में नहीं आया, तो मेरे को तो, और मैं ये स्टैंडर्ड साइज है, लोग यार 10-10 हज़ार में बेचते हैं, मैंने देखा अभी, और लोग ले रहे हैं यार उनके कोर्स, और हमारे कोर्स पता नहीं क्यों नहीं ले रहे लोग, जो कि लोगों को लेना चाहिए। मतलब शुरू में तो अच्छा बम्स था, मतलब कम से कम 200 लोगों ने आराम से ले लिया कोर्स, अब बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है, कभी एक आ रहा है, कभी दो आ रहा है। यार लो भाई इस अपॉर्चुनिटीज़ को लो, मेरे कम से कम 24,000 सब्सक्राइबर हैं, अगर 24,000 में से 12,000 लोग भी ले लेते हैं मेरा थोड़ा लगता है कि हाँ मैंने कुछ मेहनत करी थी, मुझे मज़ा आया। अभी लोग धीरे धीरे ले रहे हैं, लोगों को ट्रस्ट बनने में टाइम लग रहा है, और आप मुझे पता ले लोगे सबके साथ। भाई प्रोग्रामिंग के बारे में क्या बोलोगे? यार प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, बेस्ट चीज़ है। मतलब अगर आपको 3D आता है और आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपको पाइथन आता है, आपको 3D आता है, तो आप दुनिया में कुछ अलग ही कमाल कर सकते हो, मुझे तो ऐसा लगता है। बांग्लादेश से बाई कैसे करें? देखो बांग्लादेश से बाई करने के 2 तरीके, या तो आप UPI यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंटरनेशनल कार्ड यूज़ करें, ठीक है। 2 तरीके से आप इनको परचेज कर सकते हो। विनोद जी बोलते हैं सर मैं जब डेप्थ ऑफ फील्ड लगा रहा हूँ तो 2 ऑब्जेक्ट पर फोकस जा रहा है जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट से काफ़ी दूर है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी काफ़ी ऑब्जेक्ट हैं, सही से काम नहीं कर रहा। यार आपका वो लिमिट आता है, एक लिमिट लिमिट वाले स्लाइडर को आगे पीछे करो उससे सही हो जाता है। गेमिंग चैनल बोलते हैं वो जैसे कि क्या कर सकते हैं? देखो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, देखो गेमिंग चैनल जी आपने क्वेश्चन पूछा नहीं कि प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है मतलब अगर आपको कोडिंग आती है, ठीक है, और अगर आपको 3D भी आता है तो लाइक आप प्रो बन गए, मतलब मार्केट में आपकी वैल्यू एकदम से ऐसे पहुँच जाएगी। मुझसे पूछो, मेरे को 3D आता था, ब्लेंडर बहुत अच्छे से आता था, आपको पता है कि ब्लेंडर पाइथन से चलता है, मैंने पाइथन सीखा, मैंने ब्लेंडर को पाइथन से इंटीग्रेट करा, और आज मतलब आप इमेजिन करोगे कि मतलब 10-10 डॉलर, 15-15 डॉलर पर आवरली हमको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये चीज़ कैसे ऑटोमेट होनी है, कौन सा नोड क्या करता है क्या नहीं करता, मतलब प्रोग्रामिंग तो है पर हम उसका, ब्लेंडर मुझे अच्छे से आता है तो प्रोग्रामिंग मैंने सीखी, ब्लेंडर मुझे आता था, वो दोनों मैंने मिक्स करे और आज उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग के साथ ब्लेंडर भी, सॉरी ब्लेंडर के साथ अगर आप पाइथन या स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग कुछ भी सीखते हैं तो आप अपनी लाइक CTC बोल लो या फिर आप अपनी अर्निंग को ना, अगर आप आज 30 कमा रहे हो तो 60 कमाओगे, 60 कमा रहे हो तो 1,20,000 कमाओगे, डबल कर दोगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। चांदनी पटेल जी हेलो सर, कैसे हैं? कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ चांदनी जी। ओके तन्मय जी बोलते हैं मैं फ्रेशर हूँ, मैं सर्विस
कैसे प्रोवाइड करूं और कस्टमर कैसे लेकर आ जाऊं। देखो आप सबसे पहले एक चीज़ फोकस करो, आज से, आज हमारी डेट कितनी हो गई है, आज हमारी हो गई है 12 तारीख, ठीक है ना। तो 12 जून से लेके 12 जुलाई तक आप एक महीना अपने आप को दो, अपना पोर्टफोलियो बना लो पहले कि भाई मैं एग्जैक्टली मैं क्लाइंट को अगर टारगेट करूँगा तो मैं किस बिहा पर टारगेट करूँगा। आपके पास एक अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए, अगर आपके पास अपना पोर्टफोलियो है तो आप किसी भी क्लाइंट को टारगेट कर सकते हो, डजंट मैटर कि वो क्लाइंट छोटा है बड़ा है कैसा भी है। बिकॉज आजकल जो रिक्वायरमेंट हो रही है ना मार्केट में, एक तो यूट्यूब पे वो वीडियोस वाला मांग रहे हैं कि आपको किड वीडियोस बनानी आती हैं, किड वीडियोस बना सकते हो, एक तो वो सीख लो भाई जितना जल्दी हो सकता है, बिकॉज मैं उसके लिए बहुत जल्दी एक कोर्स लेके आने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा कि आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बनाओ कैसे भी करके, गाइस लाइक करो यार स्ट्रीम को, ठीक है। सर ऐसा कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं प्रोग्रामिंग ना हो, ऐसा कोई एनिमेशन सॉफ्टवेयर, यार सीधी बात है यार सॉफ्टवेयर ही तो प्रोग्राम से बनते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं यार ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है तो मुझे नहीं पता, बट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सारे प्रोग्राम से ही तो बनते हैं, प्रोग्रामिंग से ही तो बनते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, कैन वी अर्न मनी विद ब्लेंडर। यार देखो बी फ्रेंकली, मैं तो कमा रहा हूँ ब्लेंडर से पैसा, और अच्छा कमा रहा हूँ, और ब्लेंडर से ही फ्रीलांस करता हूँ, ना मैं मैक्स में जाता हूँ ना मैं माया में जाता हूँ। मैं जब भी कोई वीडियो रेंडर करता हूँ तो मैं डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में ले जाता हूँ, ये बात सच है, मैं प्रीमियर प्रो में लेके जाता हूँ ये बात भी सच है, बट मैं कभी मैक्स माया में गया ही नहीं, मेरे को ब्लेंडर से ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ब्लेंडर को इतना आउटसाइड क्यों कर रखा है, ब्लेंडर को सेंटर में लेके आओ, आपकी लाइफ सेट है। हाउ मच रिवील, यार मैं आपको इतना बता सकता हूँ यार, मतलब मेरे को नहीं बताना अभी, बिकॉज मुझे पहले अपनी वेबसाइट का एक एस्टिमेट निकालना, देन आई विल टेल। इतना है कि हाँ आप आराम से, यार है बस, मैं अभी आपको उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। विनोद जी बोलते हैं लिमिट से कुछ नहीं हो रहा है, और इमेज जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है सिर्फ उसको ही ड्रॉप से सिलेक्ट किया है। आप मुझे वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजिए विनोद जी, मैं वहीं देखता हूँ, ठीक है। चैनल गेमिंग हाउ मच मनी रिवील, नहीं। कपिल गुप्ता जी बोलते हैं भाई ब्लेंडर के साथ नोट सीखना ज़रूरी है क्या। यार बहुत ज़रूरी है नोट सीखना, और ये जो कोर्स हमने अभी अपलोड करा है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस, इसमें जब हम नोट वाले चैप्टर में आएंगे ना तो आपको सारे नोट सिखाऊंगा, इसकी गारंटी है। और वो उस कोर्स को ज़रूर ले लेना अगर आपको नोट सीखने, बिकॉज उसमें मैं नोट इन डेप्थ बताने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, बिकॉज वो नोट तो ऐसा है ना, मतलब सीखना है भाई, नोट के बिना ज़िंदगी नहीं है। अब सर आप भी डाउट और बिना ना सॉरी डोनट एंड वाइन ग्लास बना दीजिए फॉर अ बिगिनर के लिए। अच्छा मतलब वही देखना है क्या तुम्हें, सबको बना देंगे यार, कोई समस्या नहीं, अगर ऐसा है तो बना देंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ब्लेंडर ने एकदम डोनट से एकदम ऐसा लग रहा है कि ब्लेंडर मतलब डोनट, ब्लेंडर गुरु। मेरी बात हुई थी उनसे ब्लेंडर गुरु से, और मैंने उनसे यही पूछा था, मैंने उनसे यही बोला था कि आपको पता है इंडिया में आपको सिर्फ डोनट के नाम से जान कर सकते हो, कि आपको सिर्फ इंडिया में डोनट के नाम से जानते हैं, मतलब आपका चैनल ब्लेंडर गुरु के नाम से कोई नहीं जानता, डोनट के नाम से जानते हैं, ये यहाँ तक मतलब वो ही है। मेरी उनसे बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चांदनी जी बोलते हो ओके हाँ मैं बना देता हूँ फिर, ओके अगर आपको डोनट ही चाहिए तो मैं डोनट ही बना देता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, डोनट में तो हम खुश हैं, मतलब डोनट तो ज़्यादा इजी है बनाना मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। सुभाष जी बोलते हैं सर जब मैं एनिमेशन करता हूँ मैं पोज मोड में आगे, पाइथन के बिना ब्लेंडर वर्क कर सकते हैं, मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती। यार देखो मैंने पाइथन इसलिए बोला है, देखो आपने बोला प्रोग्रामिंग अच्छी चीज़ है, मैंने कहा बोला प्रोग्रामिंग अच्छी चीज़ है, पाइथन जो है ना ब्लेंडर बेसिकली पूरा पाइथन बेस्ड ही, अगर आपको बताऊँ तो ब्लेंडर कैसा है ये फुली पाइथन बेस्ड है, तो मैंने इसलिए बोला अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है आपके लिए यार, मतलब अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो फिर तो मतलब कोई समस्या ही नहीं है आप लोगों के साथ, बिकॉज मैंने ये चीज़ करी है ना, मुझे पता है ये चीज़।
ओके चांदनी जी बोलती हैं थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम आपका। ओके चांदनी जी, आपको ब्लेंडर से रिलेटेड कोई भी, आई थिंक मेरी आपसे बात हुई थी चांदनी जी व्हाट्सअप पे, मेरे को याद है आपने मुझे कॉल किया था कोर्स के लिए। आई डोंट नो आपने कोर्स परचेज किया नहीं किया, बट अगर आपको कोर्स परचेज करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। बिकॉज मेरे पास हर दिन बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कोर्स के बारे में, फीडबैक आता है लोगों का, सर काफ़ी अच्छा कोर्स है, मज़ा आया, मतलब मैं पढ़ के बहुत ना ऐसा गदगद हो जाता ना, क्या बात है कि ऐसा भी है। एक 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 यूज़र था, उसने मेरे को बोला कि आपका इंटरफेस थोड़ा बहुत हमें पसंद, मतलब आपका इंटरफेस पसंद आया पर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने, तो अच्छा लगता है कि आप लोग फीडबैक भी देते हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। भाई आप अपने कोर्स का अमाउंट कम कर दो प्लीज़। कपिल जी मैंने अभी आप आई डोंट नो थे नहीं थे कोर्स के, मतलब जब मैं बता रहा था मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मेरी जितना कॉस्टिंग गई है ना उस हिसाब से इस कोर्स का अमाउंट कुछ भी नहीं है। मैं सही चाहूँ तो मैं अच्छा खासा ऐड लगा के अच्छी अच्छी जगहों पे ये कोर्स भेज सकता हूँ, मेरे को आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप कोर्स ले लो नहीं ले लो, बात ऐसी नहीं है। बट मैंने ये अमाउंट बहुत रीज़नेबल रखा है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरा GST जाता है 18%, 2% में पेमेंट गेटवे वालों को देता हूँ, उसके बाद 20% मेरा ये कट जाता है, उसमें से 2000 बचता है, 2000 में से मेरी होस्टिंग का कॉस्ट आता है, मेरा मतलब वेबसाइट की डेवलपर की कुछ भी नहीं बचता यार, मतलब 400-500 पर कोर्स बचता है, उसमें भी मेरी अलग से अभी है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं सोचो 3000 से उसको 2500 पे ले आया बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आप लोगों के मेरे मैसेज थे कि यार सर कोर्स प्राइस बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा ठीक है कम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है एक मिनट मुझे देना, सुभाष जी बोलते हैं सर मैं जब भी एनिमेशन करता हूँ पोज मोड में तब फिर मैं जब ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो ओरिजिन चेंज हो जाता है और जब रोटेट करता हूँ तो दूसरे बहुत दूर से रोटेट होता है। हाँ बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है ना वो हो सकता है सेंटर टू ऑब्जेक्ट ना, उस वजह से रीज़न होता है। ठीक है शंकर जी बोलते हैं सर मैंने आपका कोर्स लिया है 10 दिन पहले, मुझे कोर्स बढ़िया लगा। थैंक यू शंकर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये फीडबैक देने के लिए, ताकि बाकी लोगों को भी अच्छा लगे। प्लीज़ जिन लोगों ने कोर्स लिया आप लाइव में आके प्लीज़ अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर, आपका फीडबैक मैटर करता है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा दो या ज़रूरी नहीं कि आप बुरा ही दो, आपको जो सही लगता है वो दें, पर एटलीस्ट दें, मेरे को वो फीडबैक चाहिए आप लोगों से किसी भी हालत में, बिकॉज मेरे को इम्प्रूव करना है, यदि कोई दिक्कत है कहीं पर भी तो आप प्लीज़ फीडबैक दे सकते हैं। कपिल जी बोलते हैं ब्लेंडर के लिए मैक्सिमम कितना ग्राफिक कार्ड ठीक रहेगा? 12 GB का ग्राफिक कार्ड मैक्सिमम, इससे ऊपर की ज़रूरत नहीं है, 12 GB ग्राफिक कार्ड इज़ परफेक्ट, पर उसके साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी, लाइक जैसे क्या कहते हैं उसे, आपका मदरबोर्ड अच्छा होना चाहिए, आपकी रैम अच्छी होनी चाहिए, आपका SMPS अच्छी होनी चाहिए, विंडो कौन सी ले रहे हो, सॉरी मतलब स्क्रीन कौन सी ले रहे हो वो भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल आप पहले कोर्स को कंप्लीट तो करिए, जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे आप अर्निंग भी कर पाएंगे शंकर जी, ज़रूर आपको उस कोर्स को सीखने के बाद इतना कंफर्म है कि आप ब्लेंडर पे इतना श्योर हो जाएंगे, आपको पता होगा कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ करनी है कौन सी चीज़ नहीं करनी। मैं यही बात कर रहा था अभी, आप इससे पहले थे नहीं जब हम इस वाली बात में डिस्कस कर रहे थे, कि जो कोर्स मैंने बनाया है इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ करनी है, आपको सब कुछ आएगा, आपको बस एक चीज़ करनी है जिसको आपको मास्टरी करनी है। ऑलराइट ब्लेंडर के लिए कैसा पीसी बिल्ड करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत वीडियोस डाली हैं कि ब्लेंडर के ऊपर कैसा पीसी बिल्ड करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, मेरे चैनल पे वीडियोस हैं आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं। जेमी दिमार जी बोल रहे हैं जॉब प्लस यूट्यूब कैसे मैनेज करते हो, मैं जॉब प्लस यूट्यूब नहीं भाई, मैं जॉब प्लस यूट्यूब जॉब प्लस उसके बाद फिलांस जॉब प्लस, मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ,
बट स्टिल कोशिश है कि आप लोगों को जितना हो सके उतना मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकूं, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। और अब तो मैंने लाइटिंग ट्यूटोरियल भी डाले हैं, कल आपने देखा होगा लाइटिंग का ट्यूटोरियल डाला, बिकॉज काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी सर लाइटिंग ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने कहा डाल देना चाहिए बिकॉज सच में उसकी इस टाइम रिक्वायरमेंट सबको ही है। तो मैं आपको दिखा रहा था, किसी ने पूछा था कोर्स के उसके बारे में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दो मैंने यहाँ पे वीडियो डाली हुई हैं, इन दोनों वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि कौन सा बेसिकली आपको पीसी बनवाना चाहिए, कौन सा नहीं बनवाना चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। दोनों वीडियोस अभी भी लाइव हैं, आप देख सकते हो उनका थंबनेल, इनका थंबनेल देख लीजिए, दोनों वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं, दोनों ही लाइव हैं। एंड गाइस, दूसरी चीज़, जिसने भी अभी तक जाके रीसेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ जाओ इस रीसेंट वाली वीडियोस को देखो प्लीज़, और उस पर जाके लाइक करो प्लीज़। यहाँ पे लाइक बहुत कम होते हैं, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सोच रहे हो 400 व्यूज़ होने वाले हैं पर इस पर लाइक 50 भी नहीं है, क्यों? प्लीज़ लाइक करके जाएं इस वीडियो को जब भी आप वीडियो देखें। ऑलराइट सर, कोर्स में रिगिंग एनिमेशन का फुल चैप्टर रहेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, रिगिंग का भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। मैं कोर्स करिकुलम अपडेट कर दूंगा, बेसिकली मैं वीडियोस बाद में डालूंगा, अभी करिकुलम मैं पूरा अपडेट करने वाला हूँ जो जो टॉपिक्स रहेंगे, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या क्या हम सीखने वाले हैं। एटलीस्ट मैं टॉपिक तो डाल दूंगा, वीडियोस बाद में डालते रहूँगा। गाइस प्लीज़, जो भी स्ट्रीम पे नया है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक करें। ठीक है सर, ब्लेंडर कोर्स में सिमुलेशन की वीडियोस कब का अपलोड हो जाएंगी? सिमुलेशन की वीडियोस आई थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तो हम पहले वो सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे, मॉडलिंग वाले, टेक्सचरिंग वाले, लाइटिंग वाले, तब जाके। एंड प्लीज़ इसमें यार स्टेप बाय स्टेप चलो, और मैं चाह रहा हूँ कि जितना मान लो 50 चैप्टर बहुत होते हैं, आप लोग वेट कर सकते हो, 50 चैप्टर को रिवाइज़ करो जब तक, तब तक मैं 50 और डाल दूंगा। पर प्लीज़ ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा वाला नहीं करना। यही रीज़न है मैंने कोर्स में वीडियोज़ लिमिटेड डाले हैं, क्योंकि हम अपडेट्स भी तभी ले पाएंगे जब हम कोर्स साथ बाय साथ अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, थोड़ी समस्या हो जाएगी। हाउ डू यू लर्न ब्लेंडर? यार ब्लेंडर खुद से भी लर्न किया था, बुक्स पढ़ी थी ब्लेंडर की मैंने, उससे मैंने ब्लेंडर लर्न किया था। ठीक है बेसिकली, और हाँ बाकी तो यार इंटरनेट पे इतने आर्टिकल्स हैं, कहीं से भी देख लो, बस पढ़ना आना चाहिए कुछ। सर ब्लेंडर के लिए 4GB 8GB ग्राफिक का ठीक रहेगा? AMD राइजन 5 प्रोसेसर? यार तन्मय जी, उसमें मैंने वो वीडियो भी आपको दिखाया था ना, उस वीडियो में सब कुछ ही मैंने मेंशन किया हुआ है, पर 8GB तो एटलीस्ट लो आप भाई। मैं नोट में कंट्रोल टी दबा रहा हूँ था तो कुछ नहीं आता, क्योंकि आपका ना एड ऑन में जाके नोड रेंगुलर ऑन नहीं है। तो कपिल जी जाइए एड ऑन्स में और नोड रेंगुलर को इनेबल कर दीजिए। एंड गाइस, जो भी स्ट्रीम में नया है प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक करिए। मतलब पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते लोग, आते हैं लाइक नहीं करते हैं। बुक का नाम बता दो, बुक का नाम एक सेकेंड अभी बताता हूँ, बुक का नाम यार मैंने जो बुक पढ़ी थी उस बुक का नाम है, बहुत पुरानी बात हो गई यार, वो तो अब 2014-15 की बात हो गई है। वो बुक अभी अवेलेबल भी है या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ वो बुक अवेलेबल है, उस का नाम तो मुझे यहाँ, हाँ उस बुक की कॉस्टिंग है 5,000 रुपये। सोचो मेरा कोर्स 2,500 का है, उस बुक की जो कॉस्टिंग है वो 5,315 रुपये है, और वो ब्लेंडर 2.8 है। आप ब्लेंडर का अपडेटेड वर्जन सीखोगे मेरे वीडियो से। उसका नाम है द कंप्लीट गाइड टू ब्लेंडर ग्राफिक्स कंप्यूटर मॉडलिंग एंड एनिमेशन 5th edition। इसका 5th edition है, ये मैंने पढ़ा था और मैंने इसमें बेसिक कोर्स सीखे थे बस, बाकी जितना कुछ मैं बताता हूँ सेल्फ एक्सप्लोर है, कहीं से कुछ नहीं है, खुद से एक्सप्लोर किया, खुद से चीज़ें बनाई, खुद से बताया, खुद फंसा, खुद सीख करी, ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा आपको मेरे बोलने पे विश्वास नहीं हो रहा? अरे भाई साहब देखो किस पे अवेलेबल है मुझे नहीं पता, मैंने तो गूगल पर सर्च किया तो मुझे ये बुक मिली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर यदि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो ये बुक है, इसकी कॉस्टिंग है ये 5,000 समथिंग की, ये बुक है, मैंने यही पढ़ी थी मेरे को याद है जहाँ तक। ठीक है ना, देख लीजिए गाइस, ये रहा प्राइस, खासकर गेमिंग जी आपको विश्वास नहीं हो रहा था।
मैंने ऐसे किसी वेबसाइट पर नहीं, मैंने जस्ट गूगल पर डाली थी ब्लेंडर बुक, और उसमें ये आ तो बहुत सारे रही हैं, पर मैंने जो पढ़ी थी मैं वो बता रहा हूँ। बाकी अब तो बहुत आ गई हैं, बहुत क्या इसकी बहुत सारे एडिशन्स आ गए हैं अब तो। मैंने 5th एडिशन पढ़ा था, मुझे इतना याद है, और मुझे अच्छा लगा और मैंने इसका कोर्स सीखा। यार समस्या वही है ना, सस्ती वाली हैं पता है, 2000 वाली भी हैं और 500 वाली भी हैं। फिर 500 वाले कंटेंट मिलेगा आपको उसके अंदर, ऐसा थोड़ी कि 5000 वाली में आपको, सॉरी 500 वाले में आपको 5000 वाला कंटेंट मिल जाएगा। देखो आई नो हर लोग सस्ती ढूंढ रहे हो, और एक चीज़ और बताऊँ, इसकी PDF कहीं ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कहीं नहीं मिलेगी आपको उसकी। अगर आपको PDF मिलेगी तो मुश्किल से मुश्किल एक चैप्टर की PDF मिलेगी, ठीक है, जिसमें से एक चैप्टर के आई थिंक 80 पेज हैं। तो 80 पेज की फर्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा उसका PDF फ्री, बाकी इसके PDF कहीं फ्री मिलता ही नहीं है। मतलब आप सोचोगे नहीं मैं फेक डाउनलोड कर लूँगा या कहीं से पायरेटेड डाउनलोड कर लूँगा, नहीं मिल रहा भाई, मिलता ही नहीं है। ये बुक इतनी ज़्यादा सिक्योर कर रखी है इन लोगों ने, और इसी की जॉम एम ब्लिन करके बंदा है, इसी की बुक बाकियों के मिल सकते हैं पर इसकी नहीं मिल सकती। मैं इस चीज़ को आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर मिल जाए भाई मुझे भी दे देना, मैं भी 10 लोगों को दे दूँगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला आज तक। पहला जयसवाल जी बोलते हैं, ऑफिशियल सर जी मेरा 4GB ग्राफिक कार्ड है, रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। बहुत ज़्यादा क्या, तो बरसों ले लेगा। मेरे पास है PDF वो भी फुल, तो एक सेकेंड, क्या नाम है इनका, गेमिंग जी आप इनसे ले लीजिए, मुकेश करके जो हैं, इनको आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, इनकी ईमेल आईडी इनके उस पर क्लिक करके इनके गूगल अकाउंट पर जाके इनकी ईमेल आईडी निकालें, या बोलो तो मैं इनकी ईमेल आईडी निकाल के दे देता हूँ आपको। आप इनको कॉन्टैक्ट कर दीजिए, मैं पिन कमेंट में इनका कमेंट डाल देता हूँ, इनका वो डाल देता हूँ, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, अगर ये दे दे तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकेंड रुकिए, क्या नाम था इनका, मुकेश जी ना, यार इनका इनका नहीं खुल रहा इसमें, तो इनको ही बोलिए प्लीज़, इनका नहीं खुल रहा, कोई बात नहीं, इनको आप बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुस्तफ़ अली जी बोलते हैं, हेलो ब्रदर हाउ कैन आई कनेक्ट विद यू, आई एम फ्रॉम दिल्ली। यार आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी वेबसाइट पे ना हमने एक नया फीचर अभी लॉन्च करने वाले हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लाइव क्लासेस का ऑप्शन हमने ऐड किया, ठीक है ना, जो कि अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज ये पेज अभी हम बना रहे हैं, ये वाला पेज अभी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ये लाइव क्लासेस में लूँगा ना, उस टाइम पर क्या होगा, मैं आपको कम्युनिटी पर जाके एक पोस्ट कर दूंगा कि लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो। एक बार में सिर्फ 10 लोग आ सकते हैं, 10 लोग मेरे साथ लाइवली बात कर सकते हैं, जैसे अभी मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे को फेस टू फेस नहीं देख पा रहे, पर उस टाइम आप और मैं दोनों फेस टू फेस बात करेंगे, कमेंट में बात नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये लाइव क्लास मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, ताकि आप लोग आराम से मेरे से बात कर सकें। सुभाष जी बोलते हैं, हेलो सर, एनिमेशन करने के लिए कोई टिप्स दीजिए, कैसे कैरेक्टर एनिमेशन अच्छे से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो एनिमेशन करना इज़ लाइक कोई मैजिक वाला काम नहीं है, एनिमेशन पूरा एक प्रोसेस है, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है उसके हिसाब से आप एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है ना। एनिमेशन इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज मैं किसी चीज़ को कैसे देखता हूँ, आप कैसे देख सकते हो, टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। अगर मान लो ये मेरी एक बोतल है, अगर मैं उसको यहाँ से ऐसे उठा रहा हूँ, तो आपने सिर्फ उसको उठाते हुए देखा होगा, पर आपने ये नहीं देखा होगा कि मेरा हाथ मैंने कैसे पकड़ रखा था, ये जब उठा था तो मेरी उंगली भी हल्की सी उठी थी। तो ये जितना आप इसको देखोगे ना, जितना इसको ऑब्जॉर्व करोगे उतना आप इसको रियलिस्टिक बना पाएंगे। तो एनिमेशन ऑल अबाउट दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चांदनी पटेल जी बोलते हैं, आपके कोर्स के बारे में बताइए। देखो मेरा कोर्स, देखो बताने की आवश्यकता वैसे नहीं है, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस हमारा ये कोर्स है, जिसमें आपको बेसिक से बेसिक हर चीज़ और एडवांस से एडवांस लेकर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। और इस कोर्स की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि डजेंट मैटर आप ब्लेंडर में न्यू हो, ब्लेंडर में पहले से यूज़ कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आप इस कोर्स को लोगे तो आप कुछ ना कुछ जरूर नया सीखोगे, बिकॉज इसमें जो है पूरी रिसर्च करके मैंने बनाया है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ ठीक है किसी का उठाया, किसी का कहीं कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, बहुत रिसर्च करी है और काफ़ी चीज़ें कन्वर्ट करी हैं मैंने, खुद का एक्सपीरियंस ऐड किया है, और सबसे बड़ी चीज़ें हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ यार। मतलब हो सकता है कोर्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाए पर आपको समझने में दिक्कत होगी, आप बस स्क्रीन में जो चीज़ हो रही है उनको देख के आप समझ पाओगे, पर यहाँ पे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से उसको सीख सकते हैं।
मुकोजी बोल रहे हैं हम सेंडिंग यू स्क्रीनशॉट ऑफ दैट बुक ऑन इंस्टाग्राम, अभी भेज दो, मैं अभी देख देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ सबको, बट मेरे को एटलीस्ट वो चाहिए, मतलब मेरे को नहीं इन सबको देना, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूँगा, फिर वहाँ से आप क्या करना, क्लिक कर लेना उस लिंक को, ड्राइव लिंक से जाके ले लेना, मेरे को कोई समस्या नहीं है। पर आप किस नाम से भेजोगे मुझे ये जानना है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े हैं और आपके मैसेज नहीं हैं। अच्छा ठीक है, मुस्ताफ अली जी बोलते थैंक यू सो मच, वेलकम आपका। इमोरिदिक बोलते हैं कोर्स फ्री कर दो, टैलेंटेड लोगों को आसानी हो जाएगी। ठीक है कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, चलो इतना अच्छा सुझाव आपने दिया है तो फ्री करना तो बनता है यार, राइट। ठीक है, स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरमैन वर्स कैसे लगी, या सही बताऊँ इस टाइम इतना व्यस्त हूँ ना, स्पाइडरमैन छोड़ो, मैं ना किसी रिलेटिव की शादी अटेंड कर पाया हूँ, ना ही किसी का कुछ, ना कुछ ना कुछ, ऑफिस आता हूँ काम करता हूँ, घर पे जाता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, घर यहाँ आता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बस यही चलता है। मेरे साथ सुमित जी रहते हैं, वो बस उनका कुछ अपना एडिशन रहता है, उनके साथ डिस्कस करते रहता हूँ, बाकी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, सोचता हूँ कैसे चीज़ें नहीं कर सकूँ, बिकॉज पता है वीडियोज़ बनाना बहुत इजी होता है पर उसको कॉन्सेप्टलाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है, मतलब उसको कॉन्सेप्ट करो पहले दिमाग में कि यार कैसे बनाना है, कि सामने वाला बंदा जाए कितना ही लेम हो या कितना ही इंटेलिजेंट हो उसको समझ में आ जाए भाई वो कॉन्सेप्ट, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वीडियोज़ तो आप भी बना के डाल सकते हो पर वो जो चीज़ है ना वो करना इज़ लाइक ह्यूज, बहुत समस्या वाला काम होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एकदम कनेक्ट कर सकूँ तुरंत कैसे भी करके। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा मेरे पास ना आपका मुकेश जी मैसेज नहीं आया पर मुस्तफ़ा अली जी का मैसेज आया पड़ा हुआ है, ओके काफ़ी मैसेजेस हैं, ओके। आर्ट स्टाइल बहुत अच्छा है मूवी का, मैं देखूंगा ज़रूर, मतलब मैं जाके पक्का देखूंगा इसको, मेरे को जो डाउनलोड करनी पड़े या फिर मैं थिएटर में जाके देखना पड़े, मैं देखूंगा, बिकॉज पिछले 2-3 महीनों से तो मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ पड़ा हूँ कि पूछो मत, काफ़ी कुछ हुआ है ज़िंदगी में, इधर उधर ये सब चीज़ें, और फिर कोर्स लॉन्च करना उसकी टेंशन होना, वेबसाइट का इंटरफेस पहले कुछ और था फिर बाद में वो चेंज किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस दरमियान, और काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए कि हाँ अब ये गलतियाँ नहीं करनी ज़िंदगी में, तो काफ़ी कुछ सीखा भी है इसमें, ये अच्छा भी रहा, बट ये कि अब ट्रैक पे हैं और आप लोग अगर ऐसे ही साथ देते रहें तो फिर और अच्छा करेंगे, क्यों समझ जी, यस आओगे एक बार ऑडियंस से बात करोगे, दूसरे दिन बात करेंगे, अभी मन नहीं आपका, नहीं वो चाहते हैं, देखो हमारे साथ हमारे सुमित जी हैं और सुमित जी ऐसे हैं ना यूट्यूब के बादशाह हैं, उनको पता है कि यूट्यूब पे कौन सी वीडियो चलती है कौन सी वीडियो नहीं चलती, मतलब एकदम पूरा ध्यान उनका यूट्यूब पर रहता है, इस टाइम इनके यूट्यूब पे 200 प्लस चैनल चल रहे हैं किड्स के, 200 प्लस चैनल, और हर दिन कम से कम 200 प्लस वीडियोज़ अपलोड होती है हर दिन, आई थिंक आप लोगों ने भी देखी होंगी, मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ, इनका जो चैनल है मेन चैनल है वो दिखा देता हूँ, बाकी चैनल तो बहुत हैं, मतलब इनके मैं तो बाकी प्ले बटन के साथ डाल देंगे, बिल्कुल सही बोला मैंने, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं इनके अब कितने सारे चैनल्स हैं, मैं तो मतलब देख के हैरान हो जाता हूँ, देखो इनका एक चैनल है ये वाला, ठीक है आप देखेंगे ये लिटिल लिटिल किड्स राइम्स, ठीक है ना, इस पर भी अभी लाइक इन्होंने बहुत वीडियोज़ हैं, 256 वीडियोज़ हैं, 65 वीडियोज़ भी डाल दिए हैं, ठीक है ऐसे इनके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मतलब ये तो देखो लोग आपको हेलो सुमित जी बोल रहे हैं, सुमित जी यार आ जाओ ना थोड़ा सा, क्या समस्या है, ऑडियंस आपको देखना चाह रही है, आओ तो सही, थोड़ा सा बाल सही करो बस और आ जाओ, क्या समस्या है यार, काम करने वाला बंदा ऐसे ही रहता है, आप आ सकते हो, काम करने वाला बंदा ऐसे ही रहता है, ये देखिए ये हमारे सुमित जी हैं, हेलो हेलो कैसे हैं आप लोग, देखो सुमित जी बहुत स्ट्रगल करते हैं ज़िंदगी में, इतना स्ट्रगल कोई नहीं करता, ठीक है ना,
एंड यूट्यूब के एकदम बादशाह हैं इस टाइम पे। हेलो जमीन दी आपको हेलो बोल रहे हैं, चांदनी पटेल दी आपको हेलो बोल रही हैं, ठीक है ना। देखो सर आई एम अ रोबोट डेवलपर एंड हेलो सुमित जी, हेलो 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 विनोद जी बोल रहे हैं, हेलो कैसे हैं आप सुमित जी बताइए। अच्छे हैं, अपना बताइए। तो यार थोड़ा इनको ना करियर एडवाइस दो कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाना है, तो थोड़ा यूट्यूब के बारे में नॉलेज दो कि क्या है बेसिकली, आपसे हम उसी की नॉलेज ले सकते हैं यूट्यूब पे एग्जैक्टली हमें क्या ऐसा करना चाहिए। मतलब अगर हम यूट्यूब पे आ रहे हैं तो अगर ब्लेंडर का कोर्स लिए हैं और ब्लेंडर सीखे हुए हैं तो उससे तो हम लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल। उससे अगर हम चाहें तो आप लोगों को बताना चाहेंगे 1 करोड़ रुपया तो मंथली आराम से कमा सकते हैं अगर ब्लेंडर से चाहे तो। ठीक है समझ गए, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम बताओ। कमा सकते हैं उतना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो है नहीं, बेसिकली ये अर्निंग करना ब्लेंडर सीखने के बाद बहुत ईजी है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमने आज लगता है 2 साल पहले ब्लेंडर सीखने के लिए हमने बहुत कोशिश किया था। भैया हमारे पास ही आए थे ब्लेंडर सीखने, और से ही सीखे थे, और हमसे ही सीखे थे, ऐसा नहीं कि कहीं और गए थे। इन्होंने बहुत समय तक नंबर भी नहीं मिला था, कैसे कैसे निकाले थे नंबर हम। जैसे आप लोगों को दिक्कत होती ना वैसे इनको भी दिक्कत, बताओ क्या दिक्कत हुई थी आपको बताओ। जैसे मुझे तो नंबर ही नहीं मिल रहा था पहले, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और नंबर कैसे 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 करके हम खोजें, फेसबुक से निकला था उस समय नंबर। हो सकता है आज भी आप लोगों का नंबर मिल जाए फेसबुक पे। अब नहीं है, हमने हटा दिया फेसबुक से, अब बहुत लोग फोन करते हैं। अब तो चैट सपोर्ट में डायरेक्ट मिल जाएंगे। हाँ अब तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। मतलब इनका ऐसा रहा कि इन्होंने 2 महीने शायद वेट किया था, मेरे को कॉल कर रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर निकाला, मेरे को तो खुद भी नहीं पता चला कि मेरे फेसबुक का नंबर है। इन्होंने बोला कि सर मेरा फेसबुक पे आपका फेसबुक का नंबर था, वहाँ से हमने निकाला। मैंने कहा कैसे फेसबुक का नंबर हो सकता है, इन्होंने निकाल दिया। फिर उन्होंने बोला हमको सीखना है, इन्होंने सीखा भी, और आज तो इनकी काया ही अलग है, क्या ही बताएं। अभी किसी दिन ऑफिस चलते हुए दिखाएंगे, किसी दिन ऑफिस का भी टूर कराएंगे, अभी तो हम नहीं करा सकते। और इन्होंने उसी ब्याप पे अपना पूरा ऑफिस खोला है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑफिस खोला है, मतलब इतना अच्छा ऑफिस खोला है इसकी कोई बात नहीं है। हम आपको दिखाएंगे पूरा ऑफिस का टूर दिखाएंगे, और मेरे चैनल पे आएगा वो, समझ से मत लीजिए, ठीक है। या हम कोशिश करेंगे जैसा हमने सोचा था कि ब्लॉग का चैनल बनाएंगे उसके लिए। सर किड्स चैनल के लिए एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, बताओ ना, बताओ। स्टोरी देखिए, अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टोरी आप ऐसे लिखिए, अभी तो ज़्यादा चलते हैं ट्यूशन टीचर क्लास टीचर, अगर स्टोरी टाइप का कुछ बना रहे हैं तो इस टाइप का कुछ बनाएं, और कुछ बच्चे रखें, या तो उन्हें पढ़ते हुए दिखाएं, या तो उन्हें बकायती करते हुए भी दिखा सकते हैं। मतलब कैसे भी हो तो स्टोरी में फन होना चाहिए यार, देखो मैं तो ये बोलता हूँ फन होना चाहिए, फन होना चाहिए बस। और उसे आप रेगुलर उस पर काम करें, ये नहीं कि 4 वीडियो डालें और फिर सोचे कि की फ्रेम में बहुत टाइम लग रहा है, ब्लेंडर छोड़ ही देते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ बोली इन्होंने, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यार चलो ठीक है, जो जो उसमें चले गए सिस्टम पे बनाना शुरू करा, 2 की फ्रेम का लगा रहे यार आप नहीं कर सकते, तो वो वाला काम नहीं करना एटलीस्ट। हाँ ये बात तो है, मतलब मैं ये आपको बोलूँगा। अगर सौर का तो कोर्स भी है, उसे तो ब्लेंडर आप लोग अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि हम यहीं से सीखे हुए थे, हम भी खुद इन्हीं सौर से ही सीखे हुए थे, तो आप लोग सीख सकते हैं। हाँ लेकिन कोर्स लेने के बाद ये नहीं कि सीखें और उसको फिर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मैं वही बोल रहा हूँ, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मैं यही तो इन सबको बोलता हूँ कि आपको इसको यूज़ करना। और अभी जिन लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोर्स लॉन्च हुआ है, उन लोगों के पास बहुत जल्द जाने वाला है। अगर आप चैनल सर्च करते हैं या कुछ भी तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो ऐड चलेंगे ही, आप लोगों को मिलेंगे, वहाँ से आप लोग एक बार ज़रूर खरीद के देखना। मैं तो वही है, मेरे पास तो बहुत स्टूडेंट ऐसे आते भी हैं, पर ये एक लाइव एग्जांपल है मेरे पास सुमित जी, जिन्होंने ये सब चीज़ें स्टार्ट करके आज अपना, मुझे लगता है कि हम कम से कम 2-3 करोड़ रुपया तो कमाए ही होंगे। प्राइस क्या है कोर्स का, प्राइस वही है 2499, इस टाइम फर्स्ट 500 यूज़र के लिए आई। सर कैन आई एबल टू रन अनरियल इंजन इन RTX, बिल्कुल आराम से रन कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सुमित जी, इतना सारा एनिमेशन वीडियो कैसे बना लेते हैं सुमित जी, अरे पहले तो हम खुद से बनाते थे,
अब तो अपना कंपनी हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो, नहीं बनाना पड़ता है। हाँ, अब तो काफी मतलब अब बना बनाया मिलता है, बस गाइड करना रहता है। अब तो बस खाली हमको ये देखना होता है कि यहाँ कहाँ पे करेक्शंस करनी है, कहाँ पे ठीक करना, बस वही वाली चीज़ होंगी। पहले हाँ सुमित जी ने ग्राउंड लेवल पे बहुत मेहनत करी, तभी जाके ये दिल्ली डिवीजन खड़ा हो पाया आज। हाँ, हम लोगों को दिखा दीजिए अपने पास कितने पीस हैं। नहीं अभी नहीं दिखा सकते, थोड़ा सफाई वफाई करेंगे फिर दिखाएंगे, कोई नहीं नेक्स्ट लाइव रखते हैं। संडे था, हाँ संडे था, बहुत ज़्यादा बिजी डे था, कोई नहीं अभी सुबह मॉर्निंग में सफाई करके फिर हम करते हैं नेक्स्ट संडे पक्का। आपके चैनल का नाम क्या है और कितना सब्सक्राइबर है? या देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इनके ना एक चैनल नहीं है, पर मैं एक जो चैनल है मेन चैनल में आपको वो दिखा सकता हूँ, बिकॉज वो हम अभी अपनी कंपनी के नाम से चलाते हैं, इसलिए हम दो तीन तो दिखा ही सकते हैं। लीड के नाम से 10 चैनल है। हाँ चलो चलो ये दिखाते हैं, चलो द लीड विजन से शुरू करते हैं, ठीक है ना? वो नाम बताते हैं द लीड विजन। नहीं नहीं दिखाते भी है ना सब्सक्राइबर, इनको सब्सक्राइबर लिटिल किड्स। चलो पहला चैनल जो है हमारा वो है लीड लिटिल किड्स, इसके अंदर 7.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट चैनल बताइए सुमित जी। लीड लिटिल किड्स 3D ये होगा, लीड लिटिल किड्स 3D। एक तो ये है लीड लिटिल किड्स राइम्स है, देखो एक ये रहा, इसके अंदर 3.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। दो चैनल हो गए लग रहा है, आज पूरी लाइव इसी में निकल जाएगी चैनल दिखाने में। एक लीड लिटिल किड, इसके अंदर 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। वीडियोस देखिए कितनी क्वांटिटी में, 262, मतलब कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिसमें वीडियोस कम से कम वो ना हो और व्यूज़ कम से कम 10-10 मिलियन से ऊपर है, ठीक है। ये चैनल है और एक है द लीड विजन, इसके अंदर भी 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। एक और दिखाएंगे जो कि नया है, बहुत जल्दी बनाए हुए थे, ये अभी बनाया है, इसके अंदर भी 47,000 सब्सक्राइबर हैं। ये इसका एक मिनट वो दिखाओ अबाउट सेक्शन में, ये कौन से डेट को बनाया है, इसके अंदर ये अभी बनाया 4 मई को, एक महीना भी नहीं हुआ अभी, 4 मई को बनाया ये, और 50,000 सब्सक्राइबर, 98 वीडियोज़ हैं इसके अंदर। हम तो काम नहीं कर पाए इसीलिए सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, नहीं तो इसे तो अच्छा। वो वाला दिखाओ ना जो सिप्रा वाला था, कौन सा था वो भी, जैसे अपने सिप्रा वाले हो गए, ये सारे चैनल दिखाओ ना, सिप्रा किड्स वाला जो हमने बनाया था, देखो एक ये वाला है, इसमें 1,70,000 सब्सक्राइबर हैं। अभी तो आधे तो वो हैं जो हम लोग अभी मैनेज ही नहीं करते हैं, और ये 10 मई को बना, मार्च को बनाया है, 10 मार्च को बनाया, कम से कम इसमें 27 मिलियन व्यूज़ हैं टोटल। अभी तो बहुत है, हमको तो खुद याद नहीं है नाम से, वो तो देखना पड़ेगा लिस्ट में जाके हमको, क्योंकि अपलोडिंग ही सारी ऐसी होती है। इंस्पायर किड्स राइम्स, हाँ ये कैसे करके है, ये रहा, इसके अंदर 2,24,000 हैं, और ये भी फरवरी में बनाया था, इसके अंदर ये दिखा रहे हैं, अरे नाम भी याद नहीं आते। हाँ नाम इतने हैं, देसी किड्स ये वाला था क्या, हाँ देसी किड्स टाइम भी था, ये रहा, इसके अंदर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, और ये चैनल भी अभी बनाया है 23 मार्च को, अगर आप देखेंगे तो। एक दरिया क्या नाम था याद, बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडियो टूर हम बहुत जल्दी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है बहुत जल्दी दिखाएंगे। पहले ये कि इस टाइम आपको मैं रियलिटी बताऊं तो किड पे इंडिया में 1 पे हम लोग चल रहे हैं, हर दूसरी वीडियो हमारी आती है, बिकॉज इतने सारे चैनल हैं, इतना सर्च होता है, इतना स्क्रॉल होता है, इतना कंटेंट कंज्यूम होता है कि हाँ हमारे वाले चैनल की वीडियोस हर दूसरे नंबर पे, जो 2D एनिमेशन है वो तो चलती है, 3D एनिमेशन के भी दो चैनल हैं, बाकी अभी अगले महीने से जितना हम कंटेंट बना रहे हैं 3D का, जो अभी मैं देख रहा हूँ पूरा, वो भी हम वहाँ अपलोड करेंगे, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, फन फैक्ट से लेके हर चीज़, हर एक चीज़। एक चैनल और है दिखा दो, जितने हैं सारा दिखा दो, सारे तो नहीं दिखा पाएंगे सारे, तो सारे दिखाना भी सही है, देख सकते हैं कितना। ये प्ले प्ले किड्स है, इसमें 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं, और ये भी 15 मार्च को बना है अभी, उसमें भी कम से कम 2 करोड़ के आसपास व्यूज़ हैं अभी। आप लोग को चैनल का नाम बताते जाओ, क्योंकि चैनल का नाम बनाने में बहुत दिक्कत होता है, सोचने में मुझे। कोई नहीं चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, कम से कम 5-7 चैनल तो दिखाए हैं अभी, ये तो बस शुरुआत है मतलब। हाँ एक ये भी है प्ले किड इंडिया, अब ठीक है मैं बार बार कैमरा नहीं कर रहा, ठीक है लोग समझ गए हैं हमारे पास चैनल इतने, कोई समस्या नहीं है, एक बार लिस्ट बना के रख देंगे ना सारी, तो फिर सब हो जाएगा, सारे सर्च करके रखेंगे, सारे सर्च करके रखेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं, दिखा पाएंगे, 1 घंटा का लाइव करना पड़ेगा फिर तो कोई नहीं, 1 घंटे का लाइव तो अभी भी हो ही गया, क्या समस्या है सर। 2D एनिमेशन का भी चैप्टर रहेगा क्या कोर्स में? नहीं वो सिर्फ 3D के लिए है, 2D के लिए अलग से आएगा। आपकी टीम है क्या? एग्जैक्टली बिल्कुल हमारी टीम है, कितने लोग होंगे बिहार को यहाँ का मिला के?
औसत देखिएगा तो फिर तो 40-50 हो जाएंगे, 50+ 50 के आसपास। हेलो बी के आर जी, प्रियांशु जी पूछ रहे हैं कि आप दोनों कहाँ से हैं। देखो सुमित जी तो हमारे छपरा ना, छपरा बिहार से, छपरा बिहार से हैं और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे आसपास में ही है वैसे, और यहाँ तो बिल्कुल ही पास में है, ठीक है ठीक है। ऑल राइट, तो काफ़ी मज़ा आया आप लोगों से बात करके और अच्छा। और आप लोग को एक चीज़ और बता रहे हैं, अगर आप लोग ब्लेंडर सीखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे भी काम मिलेगा बहुत जल्द। हाँ मतलब हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। अरे हाँ मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गया, ऑफिस में भी हम लोग ना आप फ्रीलांसिंग दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारे पास जितने चैनल हैं उस हिसाब से हमारा कंटेंट नहीं बन पा रहा हमारी टीम से, तो हम क्या कर रहे हैं फ्रीलांस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुमित जी आपको यहाँ पे ओपन चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप ब्लेंडर सीखते हैं मेरे कोर्स से तो आपको फ्रीलांस हम लोग देंगे, 3D का भी 2D का भी सबका हम फ्रीलांस देंगे, जो आपको सीखना है जो आपको चाहिए, ठीक है। ये सुमित जी ने मेरे से बहुत पहले बोला था लाइव में बोलने के लिए, आज उन्होंने खुद ही बुलवा दिया, मैं बार बार भूल जाता हूँ, बट हाँ अगर आप चाहें तो दिल्ली में आके स्टूडियो पे भी काम कर सकते हैं। आप दिल्ली में आके स्टूडियो में भी काम कर सकते हैं, और वैसे तो हमारे बैंगलोर में भी, बैंगलोर वाले स्टूडियो में भी हायरिंग चल नहीं रही है ना, तो अभी आई थिंक हम दिल्ली वाले में करेंगे जहाँ तक है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो वेट फॉर फ्रीलांस, 3D एनिमेशन वाला चैनल भी दिखाओ, 3D एनिमेशन वाला चैनल दिखाओ भी एक दिखा सकते हैं, लोगों को सब पप्पू के पंच दिखाइए, अभी रहने दो दिखा देंगे सारा एक साथ, लिस्ट बनाएंगे ना जिस दिन टूर देंगे ना अपना उसका स्टूडियो का, उस दिन दिखाएंगे, उस दिन सारा दिखा देंगे, ठीक है। बाकी फ्रीलांस के लिए हम लोग ओपन रहेंगे, कोई समस्या नहीं है, ऑलवेज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो बढ़िया, ऑल राइट ठीक है गाइज। सो आई थिंक बहुत यूज़र मोबाइल, हेलो हेलो कैसे हैं। तो आई थिंक ऑलरेडी एक के आसपास बज गया है, 1:30 बज गया यार, फिर भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, 10 लोग हमारे साथ अभी भी हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग कि यार आप लोग एक एक बजे तक यहाँ पे हो, ठीक है। हम तो पूरी रात नहीं सोते, हम तो ऐसे ही करते रहते हैं काम, सुबह ऑफिस चालू हो जाएगा, फिर टीम के साथ मीटिंग करना, ये सब करना, सुमित जी का काम होता है वीडियोज़ वगैरह अपलोड करके उनको शेड्यूल करना, उनका अपना मेजर काम हो जाता है, मेरा काम होता है टीम को देखना, फिर अपने लिए मेन जो हमारी वीडियोस बननी है, जो हमारे कोर्स डाला हुआ है उसके लिए हमको बेसिकली सोचना पड़ता है कैसे कोर्स करना, उसकी एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना, वो करना पड़ता है, ठीक है। बाकी हाँ बहुत जल्दी मैंने आप लोगों को बोला था कि एक ब्लॉगिंग चैनल खोलेंगे जिसमें मैं और सुमित जी दोनों आपको दिखेंगे, हम लोग बस थोड़ा बहुत अपना जीवन शैली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, राइट है ना, जिसमें सुमित जी आपको टिप्स एंड ट्रिक देंगे कि कैसे यूट्यूब पे ग्रो करना चाहिए, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक बताएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी, मतलब हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सबसे बड़ी चीज़ है। ऑलराइट तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आशु खान जी क्या बोलते हैं, भाई ये बताइए स्क्रिप्टिंग के लिए पेन टैप जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है, माउस से बिल्कुल ट्राई मत करना, बिकॉज अगर आपको अच्छे से स्क्रिप्टिंग करनी है तो पेन टैप तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। देखो पेंटैप आप कोई सा भी ले सकते हो, वैकैम का आता है, वैकैम का आप यूज़ कर सकते हैं, पेंटैप कोई समस्या नहीं, पेंटैप कोई सा भी हो डजेंट मैटर, उसका पेन प्रेशर चेक करना होता है बस, पेन प्रेशर अगर सही है वो आप फोटोशॉप से जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पेन प्रेशर का ऑप्शन आता है, आप चेक करिए उससे पेन प्रेशर पता चलेगा। भाई जो भी आ रहा है स्ट्रीम को लाइक करिए, ठीक है, ओके ओके ठीक है। सो गुड नाइट एवरीवन, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लाइव में, बताइए कब आना लाइव नेक्स्ट, हम जरूर आएंगे। सर कोर्स में स्क्रिप्टिंग है क्या? हाँ कोर्स में स्क्रिप्टिंग भी है, उसमें सब कुछ बताया है, वो पूरा है तो उसमें सब कुछ बताएंगे, आप बस सब्र कीजिए हर चीज़ों का। सजेस्ट कर दो भाई कौन सा, यार हमारे पास कौन सा वाला, ये वाला पेंटैप, मैं लिंक डाल दूँ, एक बार इसको ले आओ ना, डब्बा ना उसमें, उसको डब्बा ले आओ ना, डब्बा हाँ उसके नीचे डब्बा रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला पेंटैप लेना हमारे पास है, हमने अपने एम्प्लॉय को दे रखा है, मतलब हम कंपनी में सबको पेंटैप दे के रखते हैं, उससे एनिमेशन में काफ़ी हेल्प होती है। हाँ ये ना डब्बा, हाँ दिखाऊँ। सो बेसिकली मैं काम करता हूँ, इसको स्विच कर देता हूँ, ठीक है एक सेकेंड, देखो ये है, ठीक है आप कंपनी में देख लो, ये पेंटैप है, और इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कितने का था, 6,000 का है वैसे ये, ठीक है ना, छोटा भी ले, इससे छोटा भी ले सकते हैं, पर अभी
अगर आपको बटन, देखो इसका फायदा ये है कि इसमें सारे बटन्स हैं आपके पास, ये सारे बटन्स हैं, इनको आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल जेड अंडू कुछ भी बना सकते हैं, ये इसका एक फ़ायदा है। इसका प्राइस इसमें नहीं लिखा क्या? इसका प्राइस इसमें लिखा नहीं है, बट हाँ ओवरऑल ये हमारा पेन टैब है। मैं एक बार आपको पेन टैब भी दिखा देता हूँ लाइव कैसा हुआ। रुपये एक सेकेंड, सो मुझे एक बार साइड देना। रोहित करता है ना इस पे काम, ये देखिए ये वो पेन टैब है बेसिकली, ठीक है ना, काफ़ी बड़ा है, यूज़ है। और उसके साथ जो ये पेन आता है वो ऐसा आता है, कुछ ऐसा पेन आता है देखो, उसके साथ पेन स्टैंड भी आता है। और इसमें ये जो बटन्स हैं ना बेसिकली, इसको आप शिफ्ट कंट्रोल जेड कंट्रोल ऑल्ट कुछ भी बना सकते हैं, या फिर जैसे आप मैश मॉडलिंग करते हैं तो उसमें 1 2 3 4 फेस मोड हो, यहाँ पे इसका साउंड वगैरह का है, ये प्ले वगैरह, और ये फुल स्क्रीन वगैरह के लिए पूरा यहाँ पे फीचर अवेलेबल है। काफ़ी बढ़िया है, मतलब मैं तो इसको खुद भी पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको छोटा वाला लेना है तो छोटा वाला ये रहा, ये वैकॉम का आता है, ये छोटा वाला है, इसके साथ इसका ऐसा पेन मिलता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो, जो आपको सही लगे वो और आप ले लीजिए, ठीक है। ठीक है गाइज, सो गुड नाइट, अभी के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। बताइए कब आना है नेक्स्ट लाइव, हम लोग लाइव करेंगे, ठीक है, इसका लिंक दे देंगे हम लोग आपको। सो मुझे लिंक होगा हमारे पास, होगा ना, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ उसका लिंक आपको देने का, इसके बारे में वीडियो में बना के डाल, ठीक है, इसके बारे में काम करेंगे, वीडियो बना दूंगा और आपको उसमें लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन बीइंग कनेक्टिंग विद अस। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, लव यू।